वैसे तो बरसात के समय में बहुत सी सब्जियों की खेती की जा सकती है, लेकिन जिन सब्जियों की खेती करके अच्छा रेट और अच्छा उत्पादन निकाला जा सकता है, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को उन सब्जियों की जानकारी देंगे। किसान भाइयों, जैसा कि जो मचान विधि होती है, इसमें बधाई के लिए बांस की जरूरत होती है, तार की जरूरत होती है, थोड़ा इसमें झंझट होता है। तो ये वाली खेती बहुत से किसान भाई लोग नहीं करते हैं, जो आसान वाली खेती होती है वो ज्यादातर किसान भाई लोग करते हैं। तो यदि इस टाइप की खेती का भी आप अपने खेत में कुछ मिश्रण करेंगे तो आपको यहाँ से उत्पादन तो अच्छा मिलेगा ही, साथ ही इन सब्जियों का रेट भी अच्छा मिलेगा। यदि आप अपने खेतों में मिश्रण करते हैं, कुछ आप झालर वाली सब्जियां लगाते हैं, कुछ खड़ी फसलें लगाते हैं, कुछ पत्तेदार सब्जियां लगाते हैं, तो आपको हर एक सब्जी का आपका अलग अलग रेट मिलेगा, उनका अलग अलग उत्पादन होगा, तो आपको खेत में नुकसान होने का काफी कम चांस रहेगा। तो यहाँ पर हम जो 5-6 सब्जियों की जानकारी देने वाले हैं, बरसात के समय में इसका काफी अच्छा रेट मिलता है। इनमें बात करें जो हमारी सबसे पहले वाली सब्जी है, तो आप करेले की खेती कर सकते हैं। करेले की खेती जो बरसात में होती है, दो टाइप की होती है। एक तो जो लंबे वाले करेले होते हैं, उसके फली करीब 1.5 फीट की लंबाई तक जाते हैं, कांटेदार नहीं होता, ऊपर चिकना होता है, इसको हमारे क्षेत्र में करेली भी बोलते हैं, और आपके क्षेत्र में भी कुछ दूसरा नाम भी इसका होगा, तो वो जो है आप कमेंट करके बता सकते हैं। और दूसरा, आप यहाँ पर जो मोटा वाला, जो गर्मियों में करेला की खेती होती है, जिसके फलों का साइज छोटा भी होता है, और मैक्सिमम बात करें तो 7-8 इंच की साइज के भी वेरायटी आते हैं, इनकी भी खेती आप बरसात में कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनकी खेती आप मचान विधि से करेंगे तो आपको लाइन से लाइन करीब 6 फीट की दूरी रखनी है, पौधे से पौधा 2 से 2.5 फीट की दूरी रखनी है, तो इस तरीके से आप इसकी खेती कर सकते हैं। लंबे वाले करेले की वैरायटी हमने पहले ही वीडियो के माध्यम से बता दिया है, और मोटे वाले करेले जो कांटेदार होते हैं, इनमें यदि आप बुआई करना चाहें तो आप ईस्ट वेस्ट कंपनी का पॉली लगा सकते हैं, या फिर VNR का आकाश लगा सकते हैं। इनका काफी अच्छा उत्पादन भी है और मार्केट में इसकी डिमांड भी अच्छी होती है। तो आप यहाँ पर करेले के बाद यदि दूसरी बात करें तो आप यहाँ पर लोबिया लगा सकते हैं। किसान भाई, लोबिया दो वैरायटी होती है, तो बरसात में छोटे पौधे में भी लोबिया लगता है, तो छोटे पौधे का जो लोबिया लगता है उत्पादन उसका कम आता है। यदि आप झालर वाली लोबिया करना चाहते हैं तो यहाँ से आपका उत्पादन भी अधिक मिलेगा। इसमें दो वैरायटी आती है, एक तो रेड कलर की आती है, दूसरी ग्रीन कलर की आती है। किसान भाई, रेड कलर की डिमांड मार्केट में थोड़ा कम होती है, और साथ ही इसका जो उत्पादन है ये भी काफी लेट आता है, उत्पादन भी इसका कम आता है, तो आप कोशिश करें कि ग्रीन वाला वैरायटी लगाएं। ग्रीन वाली वैरायटी में आप तो यहाँ पर VNR में काशी कंचन का चुनाव कर सकते हैं, और सामंत में भी एक लंबे झालर वाला बोड़ा आता है, वो भी हमारे यहाँ अच्छा चलता, तो आप उसका भी यहाँ पर चुनाव कर सकते हैं। बोड़े को आप लाइन से लाइन 5 फीट रख सकते हैं, और पौधे से पौधा आप 1 से 1.5 फीट की दूरी पर रख सकते हैं। इसके बाद अगले सब्जी की बात करें तो आप खीरा लगा सकते हैं। खीरा एक कम अवधि की फसल है, और बरसात में करीब 90 से 100 दिन तक ये चल जाएगा, और खीरे में जो है उत्पादन अच्छा मिलता है, और बरसात के समय पर काफी कम किसान भाई लोग खीरा लगाते हैं, क्योंकि खीरा बिना स्टिकिंग के बरसात में यदि करते हैं तो बहुत अधिक इसमें नुकसान होती है। खीरे का रेट बरसात में अच्छा मिलता है, तो यदि आप खीरे की खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर आप अच्छे उत्पादन के साथ अच्छा रेट भी पा सकते हैं। खीरे की खेती की बात करें तो आपको लाइन से लाइन 5 फीट रखना है, पौधे से पौधा आप 1 से 1.25 फीट रख सकते हैं, क्योंकि किसान में बरसात के समय में जो खीरा होता है इसका ग्रोथ काफी अच्छा होता है, तो आपको यहाँ पर पौधे से पौधे के बीच की दूरी आपको 1.25 फीट के आसपास रखनी है। वैरायटी की बात करें तो आप यहाँ पर VNR का क्रिस वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं, और दूसरा ईस्ट वेस्ट कंपनी का नाजिया खीरा का भी आप बुआई कर सकते हैं। अगले सब्जी की बात करें तो आप यहाँ पर सरपुतिया की भी बुआई कर सकते हैं। अधिकतर किसान भाई लोग जो दूसरे क्षेत्र से हैं, उनके यहाँ पर शायद सरपुतिया को किसी और नाम से जाना जाता हो, लेकिन हमारे यहाँ पर जो सरपुतिया है ये सरपुतिया नाम से जाना जाता है, और जो इसका सीड आता है उस पर भी सतपुतिया लिखा होता है, तो आप इसकी बुआई कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर गिलकी होती है और तुरई होती है, उसके हिसाब से सरपुतिया छोटे साइज में होता है, 4 से 5 इंच की लंबाई होती है, और इसका रेट मार्केट में हमेशा अच्छा होता है। गर्मियों में भी सरपुतिया का अच्छा रेट मिलता है, लेकिन बरसात में इसका रेट और अच्छा मिलता है। तो सरपुतिया की बुआई यदि आप करना चाहते हैं तो इसमें आपको लाइन से लाइन 6 फीट रखना है, और पौधे से पौधा 1.5 फीट रखना है। इसके भी लताएं लंबी जाती हैं, तो आप इसकी बुआई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर किसान भाइयों, यहाँ पर जो भी हम मचान विधि बता रहे हैं उसको आप वर्टिकल में लेना है, आप यू आकार में या उल्टे भी आकार में इस टाइप से आप करते हैं तो आपको लाइन का और जो पौधे का बीच की दूरी इसको बदलना पड़ेगा। यदि आप सीधा वर्टिकल में करते हैं और क्रॉप नेट का प्रयोग करते हैं तो इसका झालर का देना आपका काफी आसान रहेगा, कम खर्चीला रहेगा, और आप इसको आसानी से हटा भी सकते हैं। तो सरपुतिया के सीड की बात करें तो सरपुतिया का जो बढ़िया सीड है, आप इसमें पूसा का लगा सकते हैं, देसी वैरायटी है, साइज काफी अच्छा आता है, उत्पादन भी काफी अच्छा होता है।
यदि हाइब्रिड में आप सरपुतिया लगाना चाहते हैं तो आराधना सीड का चैंप गोल्ड करके एक सरपुतिया आता है, काफी बेहतरीन रिजल्ट है, बरसात के समय में भी इसका काफी अच्छा उत्पादन आता है, तो आप इसको भी लगा सकते हैं। इसके बाद किसान भाइयों अगली सब्जी की बात करें तो आप यहाँ पर वर्टिकल विधि से नेनुआ या तरोई की बुआई कर सकते हैं। इसमें आपको लाइन से लाइन 6 फीट रखना है और पौधे से पौधा यहाँ पर आपको 3 फीट रखना है। किसान भाइयों जो नेनुआ या तरोई होता है इसकी लताएं काफी लंबी जाती हैं, तो आप यहाँ पर 3 फीट रखेंगे तो सही रहेगा। वर्टिकल में आपको ऊंचाई 7 फीट रखनी है। यदि आप उल्टा यू आकार का या उल्टा वी आकार का मचान बनाते हैं तो इस सब्जी के लिए ये भी सही रहेगा, क्योंकि इसकी लताएं काफी लंबी जाती हैं। इसमें वैरायटी की बात करें तो बीएनआर का आलोक काफी बेस्ट है, डार्क ग्रीन कलर में आता है, लंबाई भी इसकी करीब 1 फीट से 1.25 फीट की जाती है। और यदि यहाँ पर तरोई की बात करें जो धारीदार होती है और मध्यम ग्रीन कलर में आता है, तो आप ईस्ट वेस्ट कंपनी का नागा वैरायटी लगा सकते हैं या फिर बीएनआर का आलती वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। इसके अलावा यदि अगली सब्जी की बात करें तो आप यहाँ पर जून और जुलाई के समय में लौकी की बुआई कर सकते हैं। और यदि आप लौकी की बुआई जून में करते हैं तो ये अगेती मानी जाएगी, और यहाँ पर इस समय पर जो लौकी की बुआई होती है इसका काफी अच्छा रेट भी मिलता है। किसान भाइयों लौकी की जो फसलें होती हैं, लौकी की जो लताएं होती हैं काफी वजनी होती हैं, तो यहाँ पर सबसे जो मजबूत आपको झालर बनाना होता है ये लौकी के लिए बनाना होता है। यदि आप उल्टा यू आकार या उल्टा बी आकार का बनाते हैं तो भी इसके लिए सही रहेगा, क्योंकि लताएं इसकी काफी लंबी जाती हैं। या फिर यदि आप वर्टिकल में ले जाना चाहें तो आप वर्टिकल में भी ले जा सकते हैं। लाइन से लाइन आपको 8 फीट रखना होगा और पौधे से पौधे के बीच की दूरी आपको 3 फीट रखनी होगी। और जब इसको आप ऊपर ले जाएंगे फिर उसके बाद आप ऊपर में कहीं कहीं पर इसमें सीधा भी तार लगा सकते हैं, ताकि ये ऊपर हॉरिजॉन्टल में भी कुछ इसका फैलाव हो सके। तो आप इस तरीके से इसका चुनाव कर सकते हैं। यदि आपको सीधा वर्टिकल में ही ले जाना है तो लाइन से लाइन के बीच की दूरी आप 6 फीट रखिए, पौधे से पौधा आप 3 फीट रखिए और केवल सीधा सिंपल ऊपर ले जाइए। किसान भाइयों इसमें जो है आप सीड की बात करें तो आप बीएनआर का माही वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। इसके फलों का कलर मध्यम हरा होता है, लंबाई अच्छी होती है, पतली लौकी होती है, लेकिन यदि आप डार्क ग्रीन कलर चाहते हैं तो आप नोनेम्स की अनोखी वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। तो किसान भाइयों इस तरीके से यहाँ पर इन 5-6 सब्जियों में से इनका किसी का एक का भी आप चुनाव करते हैं और झालर विधि से या मचान विधि से इनकी खेती करते हैं तो आगे चलकर आपको यहाँ से उत्पादन अच्छा मिलेगा, जो इसके फल आएंगे साफ होंगे, इसमें जो है दाग नहीं बनेगा और अच्छा रेट भी मिलेगा। तो इनकी खेती करके आप अच्छे उत्पादन के साथ आप यहाँ पर अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। तो किसान भाई मिलते हैं एक नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।